सो हाय गाइस, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स का जो ये पार्ट टू मैं बनाया हूँ, जनरली यहाँ पे हम फ्लूइड की डिफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे तीन तरीके, जनरली चार तरीके के डिफॉर्मेशन देखेंगे और एक फिर इसका कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये थ्योरेटिकल ही लेक्चर रहने वाला है, मैं इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। बहुत टफ टॉपिक माना जाता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स को, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव टर्म्स, डिफरेंशियल इंटीग्रल वाले पार्ट्स है, तो काफी चीजें, ग्रेडियंट वाले चीजें हैं यहाँ पे, तो लोग परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। मैं कोशिश करूंगा गाइस कि आपको चीजें समझ में आए। मैं ज्यादा डीप में जाकर चीजें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एसएससी जेई के से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ फिलहाल, तो जूनियर इंजीनियरिंग में ज्यादा डीप की नॉलेज आपको चाहिए नहीं होता है। बट हाँ, इसके जो डेरिवेटिव के जो ग्रेडियंट जो मैं दूंगा, जो मैं आपको ग्रेडियंट बताऊंगा, उस ग्रेडियंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज से, क्योंकि वही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो फ्लूइड डिफॉर्मेशन की देखा जाए तो फ्लूइड या तो प्योर ट्रांसलेटरी हो सकता है, या प्योर लीनियर उसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है, या प्योर एंगुलर हो सकता है, या प्योर रोटेशन हो सकता है, या एक और होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो पहले हम अलग अलग सबको देख लें कि प्योर ट्रांसलेटरी फ्लूइड के एलिमेंट में किस तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन किस तरीके का होता है, लीनियर डिफॉर्मेशन किस तरीके का होता है, अलग अलग हम देख लेते हैं पहले चीजों को, उसके बाद गाइज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, और फिर उसके ग्रेडियंट्स को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगर प्योर ट्रांसलेटरी की बात करें, तो मैंने एक क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, मैं एक एलिमेंट लिया, ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, ये मैंने वाटर के या फ्लूइड का एक एलिमेंट मैंने लिया। अब जब ये प्योर ट्रांसलेट हुआ, मान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं गाइस, जो फ्लूइड होता है ना, वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है। फ्लूइड पार्टिकल्स जो होते हैं, फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता है। बट यही अगर हम किसी सॉलिड बॉडी की बात करते हैं, तो सॉलिड बॉडी में जब तक आप फोर्स लगाओगे, तब तक वो डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर लिमिट तक डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद आप चाहे कितना भी फोर्स लगा ले, वो बॉडी नहीं होगा डिफॉर्मेशन। बट लिक्विड के केस में क्या होता है गाइस, जब तक आप उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस आप लगा रहे हो, जब तक लगाओगे वो, तब तक डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता रहता है। तो मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया, अब ध्यान से देखिए इसमें ट्रांसलेटरी की डिफॉर्मेशन किस तरीके का होता है। तो ये फ्लूइड एलिमेंट इस तरीके का है, तो इस तरीके का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इसको मैं दूसरे कलर से रखता हूं, ताकि आपको क्लियर है, इस तरीके का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपने पोजिशन से टाइम एट, मान लीजिए टाइम, इस एलिमेंट को एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे, ये एलिमेंट टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारा इस तरीके का था। ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू, मान लीजिए एक सेकेंड बाद हमने देखा, तो वो एलिमेंट कुछ इस तरीके का, देखिए यहाँ से ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया है ना, ये डिफॉर्मेशन हो, इतना क्या, ये डिफॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे देखो, एलिमेंट की कोई भी शेप में चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ एलिमेंट की पोजिशन चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं प्योर ट्रांसलेटरी डिफॉर्मेशन इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ तो लीनियर, अब डिफॉर्मेशन में आते हैं, तो प्योर लीनियर डिफॉर्मेशन किस तरीके का होता है, इसको देखते हैं। ये देखिए लीनियर डिफॉर्मेशन, मान लीजिए ये हमारा फ्लूइड एलिमेंट है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इज इक्वल टू, क्योंकि जो फ्लूइड एलिमेंट है गाइस, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हर एक पर्टिकुलर सेकेंड फ्लूइड के डिफॉर्मेशन चेंज होता रहेगा, बट सॉलिड केस में ऐसा नहीं होता। तो टाइम इज इक्वल टू जीरो पे हमारा फ्लूइड एलिमेंट कुछ इस तरीके का है, और यही टाइम इज इक्वल टू कुछ देर बाद देखोगे, एक सेकेंड बाद अगर आप देखोगे, तो वो जो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, अगर उसमें इस तरीके के कुछ डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है, जिसमें क्या होगा, जिसमें प्योर लीनियर में ट्रांसलेटरी तो होगा ही, साथ में इसमें लीनियर डिफॉर्मेशन भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी लेंथ में भी चेंजेस हो जाएगी। देखिए स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो जाएगा या फिर वो कॉम्प्रेस हो जाएगा, वो डिपेंड करता है किस तरीके का फोर्स लग रहा है, कॉम्प्रेस हो जाएगा या तो स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसलेटरी के साथ साथ लीनियर भी हुआ, तो अपन इसको कह सकते हैं दिस इज प्योर लीनियर। ठीक है, दिस इज प्योर लीनियर, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे इस तरीके का था, और टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड पे हमारा एलिमेंट इस तरीके से स्ट्रेच हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्योर लीनियर डिफॉर्मेशन। अब हम प्योर एंगुलर की बात करते हैं, तो प्योर एंगुलर डिफॉर्मेशन किस तरीके का होता है, प्योर एंगुलर डिफॉर्मेशन, जैसे एक एलिमेंट लिया, तो टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड पे हमारा एलिमेंट कुछ इस तरीके का दिख रहा था, टाइम इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पे हमारा एलिमेंट इस तरीके का दिख रहा था, कुछ देर बाद टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड में जब देख रहे हो, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट आप देखोगे यहाँ पे एंगुलर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये किस तरीके का एंगुलर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके का,
लाइक दैट। ठीक है, मतलब ये इधर अल्फा टर्न किया और ये इधर अल्फा टर्न किया, अल्फा नहीं लगते हैं पर लैम्डा रखते हैं क्योंकि आगे हम चीजें देखेंगे। इसको ये लैम्डा, इधर भी इक्वल लैम्डा, इसको अपन कहते हैं प्योर एंगुलर। दोनों तरफ से लैम्डा लैम्डा डिफॉर्मेशन हो गया आफ्टर टाइम सेकंड पे, इसको प्योर एंगुलर कहते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन, प्योर एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब प्योर रोटेशन किसको कहेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, इसको आगे अब कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगे धीरे धीरे चीजें। प्योर मान लीजिए टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे हमारा जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके का है, और टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हमारा जो एलिमेंट होगा ये पॉइंट फिक्स रहेगा इस पूरे ऑब्जेक्ट का, और ये हमारा इस तरीके का हो जाएगा। मैं इसको यहीं पे इस तरीके का बनाने की कोशिश करता हूँ, इसी पे इस तरीके का बनाता हूँ, ठीक है, और इसको इस तरीके से टर्न कर देता हूँ, है ना, इस तरीके से, ओके, ये हो गया। तो ये थीटा टर्न, यहां से ये थीटा टर्न हुआ, उतना ही ये इस साइड भी निगेटिव डायरेक्शन में भी थीटा टर्न किया, ये एक पॉइंट फिक्स रहेगा और ये इसी पॉइंट पे ये रोटेट करेगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये रोटेट, इसको कहते हैं प्योर रोटेशन। क्लियर है, ये फ्लूइड के कुछ आपको मैंने डिफॉर्मेशन बताई, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसलेटरी कैसा होता है, लीनियर डिफॉर्मेशन कैसा होता है, फ्लूइड का एंगुलर डिफॉर्मेशन कैसा होता है और रोटेशन डिफॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर भी अल्फा और अल्फा, एंगुलर डिफॉर्मेशन हर अलग अलग इंस्टेंट पे, ठीक है, अलग अलग इंस्टेंट पे, क्लियर है। अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूं, कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूं, जैसे अब एक फ्लूइड एलिमेंट लिया, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा फ्लूइड एलिमेंट कुछ इस तरीके का दिख रहा था, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा फ्लूइड एलिमेंट, टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे हमारा फ्लूइड एलिमेंट कुछ इस तरीके का दिख रहा था, और आफ्टर कुछ देर बाद टाइम 1 सेकंड पे मैंने देखा उसमें कुछ इस तरीके का डिफॉर्मेशन हो गया, कुछ इस तरीके का डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा यार इसका, ओके लाइक दैट, कुछ इस तरीके का डिफॉर्मेशन हो गया। अरे यार ये स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहा, इस तरीके का डिफॉर्मेशन, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, इसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइंड डिफॉर्मेशन, कॉम्बाइंड डिफॉर्मेशन। ऐसा तब होता है गाइस, ऐसा डिफॉर्मेशन तब आपको मिलता है कि एक तरफ अल्फा हो और दूसरी तरफ बीटा हो, इसमें आपका ट्रांसलेटरी भी होगा डिफॉर्मेशन हुआ होगा, इसमें आपका लीनियर डिफॉर्मेशन भी हुआ होगा, इसमें आपका प्योर एंगुलर डिफॉर्मेशन भी हुआ होगा, और इसमें आपका प्योर रोटेशन भी हुआ होगा। तो ये सारे रोटेशन जब एक साथ कहीं पे होते हैं तो इस तरीके के डिफॉर्मेशन को अपन कॉम्बाइंड डिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसका एक एंगल अल्फा और दूसरा हमारा बीटा बनता है, ठीक है, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों बन क्यों ऐसा रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों बन रहा है वो आपको भी आगे डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले लीनियर डिफॉर्मेशन जो है, लीनियर डिफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम चीजें पढ़ें कि लीनियर डिफॉर्मेशन ये जो इस तरीके का हो जा रहा है, ये लीनियर डिफॉर्मेशन का डेरिवेटिव पार्ट पे चलते हैं, फिर हम एंगुलर और रोटेशन के डेरिवेटिव पे चलेंगे। ट्रांसलेटरी कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहा है, सिर्फ पोजिशन चेंज हो रहा है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं, जनरली ये तीन पे हम डिस्कस करेंगे और ये कॉम्बिनेशन पे हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर आपको डेरिवेटिव पे मैं कोशिश करूंगा ज्यादा नहीं जाने के लिए, ठीक है। जैसे एक एलिमेंट है, ये हमारा एक एलिमेंट है, मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, तो जो ये फेस है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं यू है,
यू वेलोसिटी है और ये हमारा जो है एक्स डायरेक्शन, इसको मैं डेल एक्स ले रहा हूँ, एलिमेंट लिया हूँ ना छोटा एलिमेंट, और इसको मैं लिख देता हूँ इट इज डेल वाई। ठीक है, तो इस फेस की वेलोसिटी यू है, इस फेस की वेलोसिटी डेल एक्स दूरी पे कितनी हो जाएगी, ये यू प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, या डी एक्स लिख दें या फिर ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड की बात कर रहा हूं, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, जैसे हमें कुछ देर बाद देखा टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे देखा, तो ये डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके का हो गया, ये डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके का हो गया। थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूं क्योंकि मुझे वो टर्म को भी लिखना है, इस तरीके का डिफॉर्मेशन हो गया, क्लियर है। तो क्या देखो, ये हमारा ये जो फेस है, ये जो फेस है ये हमारी यू वेलोसिटी से आगे बढ़ रही थी, और ये वाला एलिमेंट का जो फेस है वो यू प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल एक्स इस स्पीड से बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है ये जो कुछ टाइम 1 सेकंड बाद देखोगे तो ये जो फेस है ये आपको यहाँ कहीं पे दिखेगी, ये फेस कहीं यहाँ दिखेगी, और जो ये वाला फेस है ये बहुत ज्यादा दूर पे दिखेगा क्योंकि इसमें इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये कहीं यहाँ पे दिखेगा, ये फेस आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब ये इतना डिफॉर्म्ड हो गया, क्लियर है। तो फाइनल में आपका कितना डिफॉर्मेशन कितना हुआ टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे, हाउ मच इट विल बी डिफॉर्मेशन, ये किस तरीके का डिफॉर्मेशन है, ये लीनियर डिफॉर्मेशन ही है ना, लीनियर डिफॉर्मेशन है। तो बताइए कि ये कितना डिफॉर्मेशन हुआ एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये कितना डिफॉर्मेशन हो गया, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे गाइज, ये पूरा dx है, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे गया, तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा u डेल t होगा, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये होगा u प्लस डेल u अपॉन डेल x t। नहीं समझ में आया, अपन लिखते हैं ना डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं, तो इस फेस की स्पीड कितनी u है, और तो इस फेस की स्पीड कितनी होगी u प्लस डेल t, है ना, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दिस u इंटू डेल t, यही है ना, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। Therefore, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मतलब मुझे यहां से लेकर ये कितना डिस्प्लेस हुआ है ये कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ओरिजिनली कितना था, डेल एक्स था, तो अगर इस डेल एक्स में, इस डेल एक्स में अगर मैं इतना को माइनस कर दूं, इतने को माइनस कर दूं, तो मेरा ये वाला पार्ट निकल जाएगा, इतना डिफॉर्मेशन निकल जाएगा, और उसमें प्लस कर दूं मेरा ये वाला पार्ट, तो मेरा बाकी के जो इतना ये है ये डिफॉर्मेशन निकल जाएगा, है ना। तो इसमें से मैं यू डेल टी माइनस कर देता हूँ, यू डेल टी मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, मैं स्मॉल टी लिखता हूँ सही रहेगा, इसमें प्लस कर देते हैं कितना, u प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल टी, और इस पूरे में से मैं माइनस कर देता हूं ओरिजिनल, ओरिजिनल जो इसका सेप था, ठीक है, और इससे जो वैल्यू आएगी टर्म्स कट हो जाएंगे और यहां से आ जाएंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल टी। ये है क्या, ये इट इज नथिंग बट दिस इज चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ में बदलाव हुआ फाइनल, ठीक है, तो ये हो गया। तो चेंज इन लेंथ ये हमारा क्या है, ये मैंने क्या किया, चेंज इन लेंथ कितना एट पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या चेंज इन लेंथ हुआ, मैंने वो कैलकुलेट किया। तो चेंज इन लेंथ सोम के टर्म में हम अपन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेन, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होता है। तो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं ओरिजिनल लेंथ कितना है डेल एक्स है, इस इक्वेशन को अगर डेल एक्स से डिवाइड कर दूं तो हमारा एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन की वैल्यू निकलेगी क्या निकल जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी, ये हमारा चेंज इन स्ट्रेन हो गया। और हम अभी आपको बताया था कि FM में गाइस हमारा सोम में हमारा होता है स्ट्रेन, और FM में होता है रेट ऑफ स्ट्रेन, FM में हम रेट ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं।
नॉर्मल स्ट्रेन की हम बात नहीं करते, रेट ऑफ स्ट्रेन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टाइम पे, हर एक टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है फ्लूइड की, इसलिए हम रेट ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं। और एट पर्टिकुलर एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे, एट पर्टिकुलर डेट टाइम पे, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे हमारा स्ट्रेन का रेट जो हो जाएगा, रेट ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया लीनियर डिफॉर्मेशन में क्या स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, रेट ऑफ स्ट्रेन दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही अगर मैं रेट ऑफ स्ट्रेन अगर आप वाई डायरेक्शन में पूछूं तो क्या लिखोगे, डेल वी अपॉन डेल वाई। और यही मैं आपसे अगर जेड डायरेक्शन में पूछूं रेट ऑफ स्ट्रेन तो क्या लिखोगे आप, दैट इज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी को हम डब्ल्यू से लिखते हैं, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम वी से लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम यू से लिखते हैं। ये हमारा हो गया रेट ऑफ स्ट्रेन इन बोथ एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। इस तरीके से अपन चीजों को लिखते हैं। अब समझने वाली यहाँ पे बात ये है गाइज, ये जो ग्रेडियंट मैं लिखा हूं, मैं यही बात कर रहा था ग्रेडियंट समझने की, ये जो ग्रेडियंट लिखा हूं मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मान लीजिए ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और अगला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड से ये आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर ये 5 सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड ये आगे जा रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड आगे जा रहा है तो ये क्या होता है, ये जो x है ये x इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। यहाँ पे जो x इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, ये बढ़ती जा रही है, ये x हमारा पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लेंथ आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच इस पार्टिकल वन और पार्टिकल टू के बीच में क्या हो रहा है, लेंथ हमारा इंक्रीज होते जा रहा है अगर x पॉजिटिव जा रहा है तो। और x नेगेटिव का दिखा रहा हूं, जैसे ये जो पार्टिकल वन है इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, और आगे वाली जो है, आगे वाली जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो क्या होगा एट पर्टिकुलर अगले इंस्टेंट में क्या होगा, ये 4 ये 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, अगले इंस्टेंट में क्या हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, अगले इंस्टेंट में क्या हो जाएगा टाइम पे वो क्या हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो निगेटिव एक्स का मतलब हो जाएगा कि लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ आपका डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन एक्स डायरेक्शन में, अब वो एक्स डायरेक्शन अगर एक्स पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज हो रहा होगा एलिमेंट का, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ एलिमेंट आपकी डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर है? तो ये ग्रेडियंट का मतलब समझ गए ना अच्छी तरीके से। तो ये ग्रेडियंट बहुत अच्छा लीनियर डिफॉर्मेशन की जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला, मैं तुरंत पीछे चलता हूं और यहां पे मैं लिख ही देता हूं, यहां पे एक्स डायरेक्शन का जो रेट ऑफ स्ट्रेन का फॉर्मूला आया क्या आया, डेल यू चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब देखना फिर हम एंगुलर की जब बात करेंगे, रोटेशन की बात करेंगे तो देखते जाइए फॉर्मूला क्या आता जाएगा। और यही आपको फॉर्मूला बस याद करना है, बाकी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसको भी माइंड में आपको रखना है। ठीक है, नाउ गाइस ये तो हो गया रेट ऑफ स्ट्रेन, लीनियर डिफॉर्मेशन का रेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या लिखते थे गाइस, अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखते थे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ये लिखते थे रेट ऑफ स्ट्रेन। और रेट ऑफ स्ट्रेन क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या कहते हैं गाइस, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको क्या कहते थे, इसको अपन कहते थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिख सकते हैं चेंज, तो यहाँ पे तो रेट की बात है तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज रेट ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, रेट ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, रेट ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, एफएम के लैंग्वेज में। यही हम सोम पढ़ते तो हम रेट की बात ना करके डायरेक्ट मैं लिखता चेंज इन स्ट्रेन। ठीक है, इस तरीके से एफएम में, क्योंकि हर पर्टिकुलर टाइम पे चीजें चेंज होती रहती हैं फ्लूइड में, इसलिए हम रेट की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो एक्स डायरेक्शन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन डेल वाई,
जेड डायरेक्शन के स्ट्रेंथ क्या लिख सकता हूँ, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान से याद करो, डेल वेक्टर आपको मैंने पढ़ाया था, डेल वेक्टर क्या होता है, डेल वेक्टर को लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जी कैप जे डायरेक्शन प्लस डेल अपॉन डेल जेड आई जे की कैप। और जो वी वेलोसिटी वेक्टर होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट की, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस यू वी जेड सॉरी यू वी डब्ल्यू जे कैप, ये है। और अगर मैं इन डेल ऑपरेटर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर दूं इनका, तो फाइनल जो इक्वेशन आता है डेट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा प्लस डेल यू डेल वी अपॉन डेल वाई आ जाएगा प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कर्ल ऑफ दिस, इस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं शॉर्ट कर दिए इक्वेशन को। और ये है क्या, दिस इज नथिंग बट दिस इज रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, याद है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए FM में हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि FM फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डिफॉर्मेशन के मोशन को समझने के लिए हम ऑलेरियन मेथड का यूज करते हैं, ऑलेरियन मेथड का यूज करते हैं, और ऑलेरियन मेथड का जनरली हम यूज करते हैं FM में। तो अगर FM, अगर आप बात किए, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर किया जाए, रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे हम, dV अपॉन dt अपॉन V, और Vs dV अपॉन V, इन दोनों में समझ डिफरेंस समझ, दोनों एक ही है। ये है हमारा चेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हम सोम में पढ़ते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बट हम FM में क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ये हम FM में। तो डिफरेंस रेडी हो गया। तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अपन इन दोनों को अगर रिलेट करें, तो इन दोनों को अगर मैं इस तरीके से किसमें FM में इस तरीके से हम लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, देयरफॉर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं 1 बाय v dv बाय dt इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है FM वाले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, रेट ऑफ दैट इज नॉट अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट इज अ रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। डेल टी का टर्म आ गया, डेल टी, अब जो भी टी का होगा, आप 1 सेकंड पे देखना चाहो तो टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, अगर आप 2 सेकंड पे देखना चाहते हो टी की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दो, हर एक अलग अलग टाइम पे आपको जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगी वो आपको फ्लूइड की पर्टिकुलर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगी, है ना। नाउ अब हमने एक चीज पढ़ा था, अब हमने एक चीज पढ़ने है, कॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है। कॉम्प्रेसिबल नाम से ही देखिए, कॉम्प्रेसिबल नहीं, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब जो कॉम्प्रेस नहीं हो रहा, मतलब देयर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यही होता है ना हमारा इनकॉम्प्रेसिबल। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा मतलब लिख सकते हैं कि दैट इज क्या बोलते हैं यार इसको, यस, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू जीरो, रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी जीरो, और रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी जीरो, इसका मतलब क्या है कि दैट दिस इज इक्वल टू 1 बाय v dv बाय dt, और दिस इज इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। अगर कोई चीज कॉम्प्रेसिबल फ्लो है, अगर आप बोल रहे हो कि ये हमारा जो फ्लो है इनकॉम्प्रेसिबल है, ये हमारा अगर कोई फ्लो हमारा इनकॉम्प्रेसिबल है, तो उसको बताने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है। पहला, रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू जीरो होगी। दूसरा, 1 बाय v डेल v अपॉन डेल t की वैल्यू जीरो होगी, ये भी हमारा इनकॉम्प्रेसिबल का साइन है। तीसरा, दिस इज डेल वेक्टर ऑफ कर्ल ऑफ दिस विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ v, इसकी वैल्यू जीरो होगी। और एक और आ जाता है हमारा, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन के हेल्प से एक और आता है हमारा, दैट इज डी रो अपॉन डी टी, डेंसिटी के टर्म में इट विल बी ऑल्सो जीरो। तो
तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, तो दो तरीके का फ्लो मैंने आपको पढ़ाया था, कॉम्प्रेसिबल फ्लो और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, है ना। तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो जो पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, कॉम्प्रेसिबल फ्लो जो मैंने पढ़ाया था, तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो में मैंने बताया था कि डेंसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है। डेंसिटी हर एक पर्टिकुलर टाइम पे कॉम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी चेंज होती रहती है। और वहीं बगल में मैंने आपको पढ़ाया था इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, और उसमें मैंने बताया था कि डेंसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट होगी, बट ऐसा नहीं है गाइस, ध्यान से रखना। डेंसिटी इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब ये नहीं होता कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट, कुछ केस में, इन सर्टेन केस डेंसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आप फिर डेंसिटी पे ना डिपेंड होकर बाकी के वॉल्यूमेट्रिक वाली चीजों को जीरो करोगे, तब जाकर आप कह सकते हो कि ये फ्लो जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है। सिर्फ आप डेंसिटी कॉन्स्टेंट देखकर नहीं कह सकते वो फ्लो कॉम्प्रेसिबल है या इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है, पहली बात। तो अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है तो ये 100 मतलब डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है तो वो कॉम्प्रेसिबल फ्लो तो ठीक है, कॉम्प्रेसिबल फ्लो ज्यादातर यही रहता है, बट अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट है अगर आपका, तो वो तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो है, आप 100% समझ लेना। किसी का भी फ्लो का अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो समझ लेना वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो है। लेकिन अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है तो उसका जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्रेसिबल फ्लो है, वो इनकॉम्प्रेसिबल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा आप टेलर सीरीज में इसको एक्सपेंड करोगे, ये कुछ इस तरीके का एक्सपेंड होगा, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस यू डेल रो अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल रो अपॉन डेल वाई डी प्लस डब्लू डेल रो अपॉन डेल जेड विच इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ध्यान से, इसका दो केस बनता है, एक तो हमारा डेंसिटी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। अगर यहाँ पे डेंसिटी कॉन्स्टेंट कर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है ये हमारा ये पूरा जो फॉर्म है ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट पे आप कह सकते हो कि जो फ्लो है वो जो आपकी जो फील्ड है लिक्विड की वो इनकॉम्प्रेसिबल है, आप डायरेक्ट कह सकते हो। बट इसका एक केस और है कि अगर डेंसिटी अगर कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, तो अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं हुआ गाइज, तो इसको देखो ये जो डेंसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये इसको मैं प्लस ए लिख दे रहा हूँ, प्लस वो पॉजिटिव टाइम के रिस्पेक्ट में डेंसिटी पॉजिटिव होता जा रहा है, और ये जो है स्पेस के रिस्पेक्ट में डेंसिटी चेंज विद डायरेक्शन, मतलब डेंसिटी चेंज विद स्पेस के साथ डेंसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है ये माइनस हो जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू माइनस हो जाए, है ना। तो ये प्लस ए और माइनस ए मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दैट केस भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हम इनकॉम्प्रेसिबल का ही हुआ। तो क्लियर हो गया, समझ गए ना। तो डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू सी का मतलब ये नहीं होता कि वो फ्लो आपका कॉम्प्रेसिबल है, वो इनकॉम्प्रेसिबल भी हो सकता है वो, ठीक है। तो बाकी इसलिए चेक करने के लिए आप एक दूसरे जो मेथड्स है ये सब मेथड को आप फॉलो करोगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, आशा करता हूँ इतना बहुत कुछ समझ में आ गया होगा डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं, वैसे भी चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन के बारे हो गया, अब हम एंगुलर डिफॉर्मेशन देखते हैं। सो एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, तो मैं एक डायग्राम से आपको कुछ चीजें यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत आसान गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये एलिमेंट हमारा पहले कुछ एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे ये हमारा एलिमेंट कुछ इस तरीके का था, ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू वंस एक कुछ देर बाद देखोगे तो ये एलिमेंट कुछ मान लीजिए इस तरह कॉम्बिनेशन में दिखा रहा हूँ, इस तरीके का डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। This is alpha, और लिख इसको time is equal to ये जो ग्राफ था ये time is equal to zero पे था, और कह सकते time is equal to t पे था this, और ये जो है time is equal to क्या था t plus del t पे था, ये ग्राफ हमारा बन रहा। ये जो होगा इधर del alpha, इसको लिख देते हैं del alpha,
और इसको लिख देता हूं मैं डेल बीटा, ठीक है, विजिबल है ये, मैं यहां पे इसको इस तरीके से लिख देता हूं, दिस इज डेल अल्फा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन है, एंगुलर डिफॉर्मेशन के साथ साथ और भी चीजें, प्योर एंगुलर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे बाकी सब चीजें, इसीलिए अल्फा और ये बीटा आया। बट हमने एंगुलर डिफॉर्मेशन में क्या पढ़ा था, एंगुलर डिफॉर्मेशन में पढ़ा था सिर्फ एंगुलर डिफॉर्मेशन और दोनों तरफ से इक्वल होगा, ठीक है, अल्फा अल्फा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो एक तरफ अल्फा डिफॉर्मेशन हो रहा है, एक तरफ बीटा डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये कॉम्बाइंड डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको, ये डिफॉर्मेशन जो इस तरीके से हुआ है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करूं, इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, तो ये इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं यहां रख दूं, ये कुछ इस तरीके का है, वहां क्यों रखते हैं अपन इसको, यहीं से रखते हैं, ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए डिफॉर्मेशन हो रहा है, है ना। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा x डायरेक्शन है, और ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको ये दिख रहा है गाइस, ये x डायरेक्शन में इसकी, इस पॉइंट की मान लीजिए दिस इज ए पॉइंट और दिस इज बी पॉइंट, इसकी वेलोसिटी v है, तो बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है v प्लस डेल v अपॉन x डायरेक्शन डेल x, यही होगी। इसलिए जो कर्व है ना गाइस, ये जो अल्फा है, इसीलिए ये इस तरीके का एंगल बना रहा है, ये झुका हुआ जो दिख रहा है ना, ये पूरा बार, ये एक तरफ इस साइड से झुका हुआ, इस तरफ से ऊपर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है गाइस, इस तरीके के डिफॉर्मेशन का, ये एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंजेस हो रही है, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी जाकर आपको इस तरीके के डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इस इक्वेशन, इस जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपको जो रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा जो आता है, अल्फा डॉट मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि पर्टिकुलर हर टाइम पे चेंज होगा, तो जो आता है वैल्यू, वो आएगा डीवी अपॉन डीएक्स। तो इसके डेरिवेशन जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ जो बीटा की वैल्यू होगी, बीटा एंगल, वो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से हमें ये, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें ये मिलता है ये, और इसका ये जो ग्रेडियंट है dv अपॉन dx, तो ये क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है x डायरेक्शन में, ये चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और ये जो वेलोसिटी v है ये किसका है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, u v w इज अ वेलोसिटी ऑफ एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस ग्रेडियंट का मतलब यही है। और इसमें क्या दिख रहा है कि वाई डायरेक्शन में ये मैंने आपको दिखा दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो अल्फा बना है, ये जो अल्फा है ये क्यों बना, ये अल्फा जो है ये किस तरीके से बना है कि एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब डी वी चेंज हो रहा है। उसी तरह अगर मैं इसका बात करूं तो ये इस तरीके के बनेगा, ये हमारा क्या है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी डेट इज यू चेंज होगा इस तरीके से, यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, है ना। और ये कर्व इस तरीके का टेढ़ा बनेगा, तो ये जो बीटा है, दैट बीटा इज नथिंग बट वाई डायरेक्शन में x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये हमारा x डायरेक्शन है ना, ये x डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन में x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, u del u, ठीक है। तो ये है हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन का, तो आप समझ गए ना, ग्रेडियंट पढ़ना समझ रहे हो ना, ग्रेडियंट ये जरूरी है गाइस, ग्रेडियंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको जो एसएससी जेई में पूछेगा, ग्रेडियंट से ही रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और आप कंफ्यूजिया जाओगे, है ना। तो ये ग्रेडियंट आपको पढ़ना मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ सको। नाउ अब मैं आपको समझाने वाला हूं एंगुलर डिफॉर्मेशन और जनरली बात किया जाए प्योर एंगुलर डिफॉर्मेशन अपॉन प्योर रोटेशन, दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में। चलिए पहले पीछे चलते हैं, अपन ने कहां पढ़ा था,
ये पढ़ा था, ये था हमारा प्योर एंगुलर। तो प्योर एंगुलर में जो अल्फा की वैल्यू हो, ये जो हमारा टेपर लाइन इस तरीके से बना है ना, क्यों बना है कि ये एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ये चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो अल्फा जो होगा वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब वी, है ना। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी अल्फा, कितना है एंगुलर, कितना है एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज अल्फा, मैं लिखा हूं यहाँ पे, इसको अल्फा ना लिखकर अपन लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं गामा से, क्योंकि अपन ने यहाँ पे गामा टर्म इंट्रोड्यूस कराया है एंगुलर डिफॉर्मेशन में। ये जो गामा डिफॉर्मेशन है ये कितनी है, इतनी डिफॉर्मेशन है, ठीक है। ये स्लोप की वैल्यू कितनी है, दैट इज डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा था लीनियर, प्योर लीनियर में हमारा दैट इज रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ स्ट्रेन होता है, और एंगुलर में एंगुलर डिफॉर्मेशन के कारण dv अपॉन dx फॉर्मूला स्लोप आता है। यहाँ पे जो स्लोप आता है du अपॉन dx, x डायरेक्शन में x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है दैट इज u, और यहाँ पे x डायरेक्शन में y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है दैट इज v, इसलिए हमने ये चीज ऐसे लिखा। नाउ एंगुलर और प्योर रोटेशन का दोनों डायग्राम देखो, दोनों डायग्राम को मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी कर कर यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ दोनों डायग्राम, एक क्वेश्चन भी मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, ताकि थोड़ा बहुत देर से आप इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें भी मैं कराऊंगा, ताकि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए इसके बारे में। दिस इज डेल, दिस इज डेल, ठीक है। और रोटेशन किस तरीके होता है, इसी पॉइंट से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा और लाइक दिस, है ना। ये थीटा, इधर थीटा, और ये थीटा नेगेटिव चला गया, ये थीटा नेगेटिव की ओर, ये हुआ हमारा प्योर रोटेशन, और इसको कहते हैं प्योर एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब मैं गाइस इन दोनों प्योर एंगुलर डिफॉर्मेशन और प्योर रोटेशन का जो हमारा एलिमेंट का जो डिफॉर्मेशन है उसको अगर मैं कॉम्बाइंड के साथ, दिस इज कॉम्बाइंड डिफॉर्मेशन के साथ अगर रिलेट करूं, तो ये जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज थीटा, ये इधर थीटा इधर टर्न हुआ और ये अल्फा भी ऊपर की ओर टर्न हुआ, ठीक है ना। एंगुलर डिफॉर्मेशन भी ऊपर की तरफ अल्फा डिफॉर्मेशन हुआ और प्योर रोटेशन में भी ऊपर की तरफ थीटा डिफॉर्मेशन हुआ। तो जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा प्लस थीटा, लिख सकते हैं कॉम्बाइंड से, मैं इस दोनों फिगर को रिलेट कर रहा हूं, ओके। और जो बीटा है, बीटा हमारा इस डायरेक्शन में, कॉम्बाइंड में बीटा हमारा इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू इधर, ये भी हमारा जो गामा डेल है वो भी हमारा बीटा के डायरेक्शन में टर्न हुआ है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, बट ये रोटेशन का जो थीटा है ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो इसको माइनस थीटा लिख देंगे अपन, ठीक। ये हमारा दो इक्वेशन आया एज कम्पेयर टू कॉम्बाइंड डिफॉर्मेशन में। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको प्योर एंगुलर डिफॉर्मेशन का इक्वेशन मिल जाएगा, और इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको प्योर रोटेशन का ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, तो ऐड करूंगा तब आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 डेल्टा, ये आ जाएगा। और यहां से दिस डिफॉर्मेशन दैट इज प्योर एंगुलर डिफॉर्मेशन डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और अपन इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे, डॉट में से लिखेंगे, क्योंकि रेट ऑफ, दिस इज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। फ्लूइड में जब भी एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात करेंगे ना, या कोई भी डिफॉर्मेशन का, तो वो रेट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफॉर्मेशन की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए रेट के बारे में हम पढ़ेंगे फ्लूइड के डिफॉर्मेशन में। सॉलिड के डिफॉर्मेशन में हम रेट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट करके लिखा हूँ इस तरीके। Therefore, this delta is equal to 1/2 alpha, rate of alpha dot की value क्या आई थी यहाँ से, पीछे चलते हैं, जा क्यों नहीं रहा ये, चला जा भाई, ज़्यादा पीछे लग गया। Alpha dot की क्या आया था, dv upon dx, beta dot क्या आया था, du upon dy, d लिखो, del लिखो, एक ही चीज़ नहीं है, but लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, alpha की जगह लिखूंगा del v upon x direction में change, प्लस बीटा क्या होगा, वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज। तो दिस, ये हो गया, क्या हो गया,
रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये तो आ गया हमारा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, बट व्हाट इज द टोटल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, टोटल कितना डिफॉर्मेशन होगा, टोटल ये तो एक साइड का बस दिखा रहा था, टोटल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन की अगर बात करें तो कितना, इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा, तो कितना टोटल हो जाएगा, टू अल्फा हो जाएगा, सॉरी अल्फा नॉट, दिस इज डेल्टा, दिस इज टू डेल्टा हो जाएगा टोटल डिफॉर्मेशन। तो अगर यहाँ पे मैं पुट करूं, यहाँ पे पुट करूं तो टोटल रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो हो जाएगा, इट इज डेल, इसको टी इस तरह लिखता हूं मैं, टोटल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इसको इन एक्स वाई प्लेन हमें ना, ये जो सिस्टम है एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ठीक है, ये जो हमारा डिफॉर्मेशन है एक्स वाई प्लेन का, डिफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो टोटल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन दैट इज टू डेल्टा इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन है एक्स वाई प्लेन में, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन विच इज इक्वल टू टू डेल्टा, एंड दिस इज बिकम ये टू से टू कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, अभी लास्ट में मैं आपको अभी एक्स वाई प्लेन का दिखा रहा हूँ, वाई जेड प्लेन का दिखाऊंगा, उसके बाद एक्स जेड प्लेन का आपको दिखाऊंगा कि क्या इक्वेशन हमारी बनकर आती है, ठीक है। दिस इज नॉट वन बाई टू, ये टोटल इसका ना है, वन बाई टू यहाँ पे रहेगा, दिस एक्स वाई प्लेन का डिफॉर्मेशन दैट इज इतना, ठीक है, याद रखना है इसको। नाउ अगर हम अब प्योर रोटेशन की बारे में बात करें तो इनको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी टू थीटा के बराबर, ठीक है, और यहां से थीटा आ जाएगा वन बाई टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो थीटा डॉट रेट ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू अल्फा डॉट माइनस बीटा डॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन एंड इट्स वैल्यू थीटा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन रेट दैट इज रेट ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डायरेक्शन में माइनस वाई डायरेक्शन में x का अपोजिट क्या हो जाए, याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है गाइस, मतलब याद तो करना है बट मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से इनके सारे फॉर्मूले को याद करना है, जस्ट अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ये डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक आपको याद रखना है फॉर्मूले के लिए, जान रहा हूं फॉर्मूला, ये बहुत सारे फॉर्मूला वैसे ही आपको कितने सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं और उसमें आपको मैं इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला और देते जा रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं एकदम रिलैक्स रहो, कैसे याद, बस आप सिस्टम समझो कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, याद कैसे कराना है वो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको ये फॉर्मूला सारे ही अभी चुटकी में याद करा दूंगा, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई और दिस इज डिफॉर्मेशन इन जेड डायरेक्शन, देयरफॉर दिस थीटा इज एंगुलर डिफॉर्मेशन इन जेड डायरेक्शन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, वन बाई टू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, अबे यार इन जेड डायरेक्शन, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इन जेड डायरेक्शन और दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन, तो ये हो गया, अब इसी तरह जेड डायरेक्शन में है एंगुलर वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये आपको निकालना है। नाउ आई थिंक अब क्लियर हो गया, यहां से आपको एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला तीनों डायरेक्शन का आपको याद करना है, बट कैसे याद करना है आपको मैं अभी सिखा देता हूं, बट उससे पहले क्या करते हैं अपन थोड़ा सा वोर्टिसिटी पढ़ लेते हैं, वोर्टिसिटी इसमें भी वो टर्म आएगा, इसलिए वोर्टिसिटी क्या होता है, वोर्टिसिटी को हम ओम्स वाले उससे दिखाते हैं, एंड वोर्टिसिटी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है हमारा कर्ल ऑफ दिस इनटू वी वेक्टर, ओके दिस इज वोर्टिसिटी,
और वोर्टिसिटी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशन, और हम एक नॉट दिस इज वोर्टिसिटी, ये हमारा वोर्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी है का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, द टोटल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। और इसको अपन लिखेंगे, दैट इज थोड़ा सा इसका डेरिवेशन वगैरह आप करोगे, इसका थोड़ा सा वर्टिसिटी का डेरिवेशन है, तो आपको वहां से मिलेगा टू एंगुलर डब्ल्यू विच इज इक्वल टू दिस कर्ल ऑफ दिस एंड बी वेक्टर। ये इससे समझ में क्या आता है कि वर्टिसिटी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है, ये होता है हमारा वर्टिसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं वर्टिसिटी, एक्चुअल फॉर्मूला वर्टिसिटी का ये है, बट आपको सिर्फ याद करना है ये वाला वर्टिसिटी का फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो वर्टिसिटी इज द ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है। नाउ गाइस अगर मैं ई रोटेशनल फ्लो की बात कर रहा हूं, ठीक है, ई रोटेशनल फ्लो की अगर बात कर रहा हूं, अगर फ्लो हमारा ई रोटेशनल है, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जीरो है, ई रोटेशनल फ्लो का मतलब होता है क्या कि वो फ्लो नहीं हो रहा है ना। जैसे एक फील्ड है, एक मैंने एक फ्लूइड फील्ड लिया, ये मेरा फ्लूइड फील्ड है, इस तरीके से ये मैंने एक फ्लूइड फील्ड का फील्ड लिया, ठीक है। इस फ्लूइड फील्ड में अगर हमारा फ्लो ई, अगर ये फ्लूइड फील्ड जो है, अगर ये फ्लो जो है ई रोटेशनल फ्लो है, इट मींस द एंगुलर वेलोसिटी बिकम जीरो। यहां पे अगर मैं कोई भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट अगर मैं इनके इसके इस फ्लो में डालूंगा, तो ये कोई भी अपने सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ सीजी पे ये रोटेट नहीं करेगा, बट हाँ इसका शेप जरूर चेंज हो सकता है, शेप ये छोटा बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है, शेप छोटा बड़ा हो सकता है, बट अपने सीजी पे वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, वो सीजी पे रोटेट नहीं करेगा क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो है। ई रोटेशनल फ्लो में जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है, इट बिकम जीरो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है जीरो। अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ई रोटेशनल फ्लो में जीरो होती है, तो उससे अगर यहाँ पे जीरो पुट कर दूं मैं, तो वोर्टिसिटी भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज और मिला कि ई रोटेशनल फ्लो का, पहली बात तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो होता है, और साथ ही साथ जो वोर्टिसिटी होता है वो भी जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और यही अगर मैं ई रोटेशनल फ्लो की बात करूं, रोटेशनल फ्लो की बात करूं, तो मैं एक फील्ड बना लेता हूं, ये मेरा एक फील्ड हो गया, फ्लूइड फील्ड हो गया, ये हमारा एक फ्लूइड फील्ड हो गया। अब इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं डाला, ठीक है, जैसे एक यही स्वास्तिक वाली साइन जो है मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये गलत बना दिया ना मैंने, स्वास्तिक साइन, यस, ये मैं डाला, तो क्या थोड़ी देर बाद देखोगे गाइस इसका शेप चेंज होगा ही होगा, या फिर नहीं भी होगा, बट ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरीके से ये रोटेट होना चालू कर जाएगा, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, अपने सीजी पे ये रोटेट होना चालू कर देगा, बिकॉज इन रोटेशनल फ्लो एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वोर्टिसिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो इन रोटेशनल फ्लो, ठीक है। और ये जैसे अगर मैं आपको और कोई एग्जाम्पल बनाऊ, तो ये बनाता हूँ ये इस तरीके का, ठीक है, तो ये फिर रोटेशनल फ्लो में अगला जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना, अगला जो बनेगा रोटेट होता जाएगा। ये क्या हो रहा है आपका, ये किस तरीके का फ्लो, रोटेशनल फ्लो हो रहा है ना, ये रोटेशनल फ्लो है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर वोर्टिसिटी इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। इसका रिलेट करना है हमें वोर्टिसिटी से, इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाया कि ई रोटेशनल फ्लो को कैसे पहचानना है और रोटेशनल फ्लो को कैसे पहचानना है। चलिए अब मैं आपको फॉर्मूला याद कराता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला याद कराता हूँ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे याद करने वाले हैं, एक तरफ हम याद करेंगे टोटल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला, जिसको हम शियर स्ट्रेन स्टेट भी कहते हैं ऑफ एनी फ्लूइड एलिमेंट,
और दूसरी तरफ हम याद करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, फ्लूइड एलिमेंट के एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करने वाले। तो टोटल अगर मैं बात करूं एक्स वाई प्लेन पे, तो आपका फॉर्मूला दिखा था 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये फॉर्मूला था। देखो इसको याद करने के लिए सबसे एक ट्रिक बता रहा हूं, इस तरीके से बना लो आप एक्स वाई एक मिनट, इस तरीके का, और इसको इस तरीके के एरो बना लो वेक्टर वाला, आई जे आई कैप जे कैप के कैप इस तरीके से बनाया। अब ये देखो आपको एक्स और वाई प्लेन की अगर टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन चाहिए, एक्स और वाई प्लेन का डिफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे डेल एक्स लिख दो, 1/2 सम में रहेगा, मैं वाई जेड और एक्स और जेड का आपको दिखाता हूँ बना लिख के, 1/2 यहाँ भी रहेगा, 1/2 यहाँ भी रहेगा, ठीक है। वाई जेड का निकालना है तो चुपचाप डेल अपॉन डेल वाई लिख दो, ठीक है, और प्लस डेल अपॉन डेल वाई के बाद जेड लिख दो, और ये भी हो जाएगा हमारा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल जेड लिख दो, एक्स और जेड इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमने लिख लिया। जिस भी प्लेन का चाहिए उस प्लेन का ये इक्वेशन लिख लो। अब ये देखो जेड, जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, डब्लू होती है, तो इसको जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी डब्लू होती है, तो यहाँ पे डब्लू लिख दो, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है गाइस, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वी, तो यहाँ वी लिख दो, जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी डब्लू, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू, इस तरीके से क्रॉस में लिखते जाओ, बन गया फॉर्मूला आपका टोटल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन का। वैसे अगर एंगुलर वेलोसिटी का बात किया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। स्टार्टिंग का फॉर्मूला लिख दो, 1/2 यहाँ भी रहेगा, 1/2 यहाँ भी रहेगा, 1/2 यहाँ भी रहेगा, ब्रैकेट के अंदर देखो एंगुलर वेलोसिटी एक्स का निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी अगर एक्स का निकालना है तो एक्स के बाद क्या आ रहा है, वाई और जेड आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, डेल अपॉन डेल वाई लिख दो यहाँ पे, और ये थोड़ी दूरी पे डेल अपॉन डेल जेड लिख दो, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ वाई डायरेक्ट, अब एंगुलर वेलोसिटी किसका, वाई का, वाई डायरेक्शन में निकालना है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, जेड के बाद एक्स आएगा, क्या करो डेल अपॉन डेल जेड लिख दो, डेल अपॉन डेल एक्स लिख दो, ठीक है। जेड डायरेक्शन में क्या आएगा, पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, तो यहां पर लिख दो डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स लिख दो, डेल अपॉन डेल वाई लिख दो। अब देखो साइन, आप एक्स निकाल रहे हो वाई से जेड जा रहे हो, मतलब सही तरीके से जा रहे हो, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है y से z में जा रहे हो, तो y के बाद क्या आ रहा है, z, तो y के बाद क्या आता है, z, सही तरीके से जा रहे हो तो ये कर दो। नाउ z के बाद अब x अपोजिट आ रहा है, x से y जाना है, x से y पॉजिटिव, y से z पॉजिटिव, फिर z से उल्टा आ रहे हो x पे, तो निगेटिव लोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो y से z पे गए तो पॉजिटिव, और फिर z से अगर x पे उल्टा आ रहे हो, ठीक है, मतलब जनरली बात किया जाए अगर उल्टा जेड से एक्स की तरफ आ रहे हो तो निगेटिव टर्म ले लोगे। उसी तरह जेड के लिए आप निकाल रहे हो और लिखे क्या हो, एक्स और वाई लिखे हो, फिर एक्स से वाई की तरफ जा रहे हो आप, है ना, तो दैट वैल्यू बिकम, इसको एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ठीक करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के जितने फॉर्मूले हैं ना सब में माइनस साइन होता है, ये वाली चीज बोल देना, माइनस साइन होता है, और टोटल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के सबके साइन में पॉजिटिव होता है। इतना कर लिए, बाकी तो क्या ना, एक्स के लिए निकालना है तो एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, फिर जेड आता है, तो वाई और जेड लिख लो, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है पहले, उसके बाद एक्स आता है, तो जेड और एक्स लिख लो, ठीक है। माइनस साइन है इसीलिए जरूरी है, पहले क्या प्लस होता तो कोई भी इधर उधर होता तो फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे माइनस में रहेंगे।
अब ये देखो इधर जेड है तो जेड की वेलोसिटी क्या, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है डब्ल्यू, तो इधर डब्ल्यू लिख दो और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर वी लिख दो। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है यू, इधर यू लिख दो। जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिख दो। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी होती है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू होती है, इस तरीके से। क्लियर हो गया ना? बस हो गया, इतना ही सा याद करना है। याद करना क्या है आपको, याद करना है वन बाई टू दोनों में आता है ये भी पता है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म आएंगे दोनों में आते हैं वो पता है, टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन वाले में सब में पॉजिटिव साइन आएंगे दोनों के बीच में, और एंगुलर वेलोसिटी वाले में सबको निगेटिव साइन आएंगे। एक्स वाई प्लेन का पूछा है तो यहाँ एक्स और वाई लिख दीजिए, वाई जेड प्लेन का पूछा है तो वाई और जेड लिख दीजिए, एक्स जेड का प्लेन लिखा है एक्स और जेड लिख दीजिए। अब इसका जेड का अपोजिट यहाँ वेलोसिटी लिख दीजिए, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ लिख दीजिए, सेम इस केस में भी। बस हो गया याद ना। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज सर्कुलेशन, ठीक है, दैट इज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट, इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डीएल, ये होता है। जैसे एक एलिमेंट लिया मैंने, ये एलिमेंट की इस डायरेक्शन ये अगर सर्कुलेट करेगा तो ये लाइन इधर जाएगा, ये लाइन इधर जाएगा, ये लाइन इधर जाएगा, ये लाइन इधर जाएगा। तो मान लीजिए u x डायरेक्शन है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी u होगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी v होगी। अगर ये हमारा u है तो ये क्या होगा, क्योंकि तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है डेल y, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है डेल x, है ना। तो अगर ये u है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा u प्लस डेल u अपॉन डेल y डेल। ये v है, अगर ये v है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या v प्लस डेल v अपॉन डेल x डेल x। क्लियर है, ये हो गया सर्कुलेशन। तो ये हो गया हमारा a b c d। तो मैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ a b c d का निकालूं v डॉट dl, तो ये निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a b v डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b c v डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c b सॉरी c d v dot dl plus integration of v dot dl किसका a d का, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। जैसे इसका क्या हो जाएगा, ए बी फेस पे, ए बी फेस पे वेलोसिटी जो है v dot v मतलब वेलोसिटी, ए बी फेस की वेलोसिटी क्या है u है, तो यहाँ पे लिख दीजिए u और डेल l, तो डिस्टेंस क्या है इसका x है, ये हो जाएगा डेल x प्लस v BC फेस पे, BC फेस पे क्या है वेलोसिटी, BC फेस पे वेलोसिटी है v प्लस डेल v अपॉन डेल x का डेल x, और इसका डिस्टेंस क्या है डेल y, तो यहाँ लिख दीजिए डेल y प्लस CB पे क्या है वेलोसिटी, u प्लस डेल u अपॉन डेल y, और इसका dl डिस्टेंस कितना है दैट इज डेल x प्लस इस फेस का क्या है, इस फेस का देखो पहली बात ये हमारा इधर क्लॉक जा रहा है, ये क्लॉक जा रहा है, ये u और ये अपोजिट जा रहा है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। उसी तरह ये हमारा इधर की ओर सर्कुलेट हो रहा है और ये v नीचे की ओर सर्कुलेट हो रहा है, तो ये वाला भी टर्म माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा v डेल, ठीक है। इसको कट पिट करोगे तो यहाँ से आपका जो आता है फाइनली ये आएगा डेल v अपॉन डेल x माइनस डेल u अपॉन डेल y और डेल x डेल, ये आएगा, ठीक है। अगर इसको अगर हम ध्यान से देखें ये क्या दिख रहा है, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये है क्या वोर्टिसिटी तो है गाइस, ये ध्यान से देखो ये क्या है वोर्टिसिटी, हमने पढ़ा था ना वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी क्या था हमारा 2w, और वोर्टिसिटी क्या होता है 2w, तो 2 और w क्या होता है, w को हम लिखते हैं 1 बाई 2 और x माइनस डेल अपॉन यू डेल वाई, ये लिखते टू से टू कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया वोर्टिसिटी, तो ये क्या हुआ वोर्टिसिटी ना, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इसको वोर्टिसिटी, और डी एक्स और डी वाई क्या है इस फेस का एरिया, तो इसको लिख सकते हैं एरिया। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट की जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा वोर्टिसिटी निकाल लीजिए और उसमें उस एलिमेंट का एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर्कुलेशन निकल जाएगा, बस काम खत्म आपका।
चलो ठीक है, आइडिया सर्कुलेशन। अब देखो जो भी चीजें अभी तक आप लोग पढ़े हो ना, अब आपको भी डाउट हो रहा होगा भाई इसका यूज क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं क्या, तो आपको एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे ये क्लियर हो जाए कि भाई आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ के आ रहे हो, क्या चीजें पढ़ रहे हो कल कैसे। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है ना गाइस, वो डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूले पूछ देता है, डायरेक्ट वो पूछ देगा कि वाई जेड प्लेन में टोटल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, चार ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से टिक करना होगा। एंगुलर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉट इज ई रोटेशनल फ्लो में क्या, ये सब ऐसे वैसे चीजें, ठीक है। वोर्टिसिटी का फॉर्मूला पूछ देगा और चार पांच ऑप्शन दे देगा, उसमें से वोर्टिसिटी फॉर्मूला लिख करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन मैं देता हूँ इस तरीके से, देखिए ये क्वेश्चन है और ये एक सर्कुलर, ये जो जो फील्ड है ये सर्कुलर फील्ड बन रहा है कहीं, और इस फील्ड की जो वेलोसिटी है वो दी गई है आपको माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे के, ठीक है। तो जे कैप मतलब ऐसे ही होता है ना, ये होता है एक्स डायरेक्शन, ये होता है वाई वाई डायरेक्शन, है ना। एक्स डायरेक्शन वाले को आई कैप बोलते हैं, वाई डायरेक्शन वाले को आई जे कैप बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है गाइज, यू। तो यहाँ पे जो यू की वैल्यू है वो क्या कितना है, आई कैप वाले के साथ होगा जो माइनस वाई, और जो वी है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, वी। तो जे कैप के साथ जो वैल्यू है एक्स, तो वी की वैल्यू है एक्स। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको सर्कुलेशन निकालना है कि भाई इस फील्ड की सर्कुलेशन बताओ कि क्या होगी, सर्कुलेशन क्या होगी फील्ड का। हमें पता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलेशन इज इक्वल टू वोर्टिसिटी इंटू एरिया। और भी तरीका है कैलकुलेट करने का, आप डायरेक्ट ये आसान तरीका है, आपको चीजें एक ही बार में सॉल्व कर सकते हो। वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी क्या होता है गाइस, वोर्टिसिटी होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है यही ना, माइनस डेल वी वाई इतना, और डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, यही होता है वोर्टिसिटी। जनरली वोर्टिसिटी क्या होता है, टू ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म। तो ये, तो अब इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, लाइन की जो इक्वेशन दी गई है, ये जो लाइन की इक्वेशन दी गई है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, अब इस पूरे इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, वाई क्यों, सॉरी दिस इज नॉट नॉट लाइक दैट, डेल वी अपॉन एक्स। तो वी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं, ये वैल्यू आ जाएगी बिकम 1, तो ये 1 माइनस। अब यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 व्हिच इज इक्वल टू 2, ठीक है। और एरिया की बात किया जाए तो ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस जो दिया है, इसका रेडियस की वैल्यू मान लीजिए, ये रेडियस दिया है ए, तो आप लिख दोगे पाई ए स्क्वायर। तो आपकी फाइनली जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 पाई ए स्क्वायर। ये लीजिए आपको आ गया इस फील्ड की सर्कुलेशन आ गया, ठीक है। इस तरीके से चीजों को करना है कैलकुलेट। आगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको डिटेल में काफी अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आएगा, आई थिंक क्लियर है कि बहुत चीजें आपको गाइस, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं कोशिश किया हूँ आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में भी आ गई होंगी, आपको रिलेट भी चीजों को अच्छी तरीके से कर लिए होंगे, ठीक है। नाउ एक ये पार्ट टू मैंने बनाया है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का, पार्ट थ्री मैं बनाऊंगा, और पार्ट थ्री का एक ही स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, दो तीन टॉपिक बचा हुआ है उसको डिस्कस करके, जो अगला लेक्चर में ही मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर करा दूं, अदरवाइज अगला पार्ट थ्री मैं बनाऊंगा इस टॉपिक पे, और वो आई थिंक आधे घंटे का वीडियो होगा, और उसी के लास्ट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर, हो सकता है मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा 1 घंटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं। देखते हैं गाइस जैसा सुटेबल होगा मैं अगले लेक्चर में उस तरीके से लेक्चर आपके लिए बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।